हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसरीचंद और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है एडजेक्टिव के टाइप। जी हाँ, हमने सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसके बाद हमने जो है उसके तीन टाइप्स पढ़े थे और फर्दर जो तीन टाइप्स हैं आज वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पे चलने से पहले सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव का नंबर फोर जो टाइप है वो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, आए जानते हैं जरा डेफिनेशन। कैरी वर्ड्स दैट पॉइंट्स आउट पर्सन थिंग्स और एनिमल्स। क्या कह रहा है, वो वर्ड्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं किसकी तरफ, पर्सन की तरफ, थिंग्स की तरफ या फिर एनिमल्स की तरफ। अब कैसे पॉइंट आउट करते हैं उनके हम एग्जांपल जानते हैं तो हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले यहां जो एग्जांपल दिया हुआ है, दिस बुक इज माइन। अगर इधर हम फोकस करें, दिस बुक इज माइन, दिस के साथ बुक लगा हुआ है जो कि एक नाउन है। हमें इस चीज का जरूर जो है फोकस में रखना है कि दिस जो कि इशारा दिखा रहा है, डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा है और उसके साथ में जुड़ा हुआ है बुक। तो ये वाला जो एग्जांपल है दिस बुक इज माइन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज माई बुक। यहाँ आप नोट करें कि दिस के साथ इज लगा हुआ है, दिस के साथ क्या लगा हुआ है, इज, जो कि एक वर्ब है। तो ये वाला जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये वाला जो इशारा है, इसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने बहुत पहले जब प्रोनाउन्स के लेक्चर किए थे तब मैंने पढ़ाया था और मैंने बोला था कि जब एडजेक्टिव के लेक्चर हम करेंगे तो वहां मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा कि फर्क क्या है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि जब ये इशारा कर रहा है, ये इशारा करने के लिए दिस इस्तेमाल होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। तो ये चार जो हैं ये डेमोंस्ट्रेशंस हैं, ये चार जो हैं ये इशारा करने के काम आते हैं और ये प्रोनाउन भी कहलाते हैं और ये एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। ठीक है जी, तो हमें देख लिया कि जब ये इशारा करे और साथ में इसके नाउन हो तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और ये इशारा करे और साथ में इसके क्या हो, वर्ब हो, तो फिर हम इसको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ना के एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है। चलिए दूसरे एग्जांपल में भी जरा जान लेते हैं, दैट पेन इज यूअर्स, दैट पेन इज यूअर्स। अब दैट के साथ पेन लगा हुआ है जो कि एक नाउन है, तो जब नाउन साथ में हो डेमोंस्ट्रेशन के तो हम उसको क्या कहते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बरक्स अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज यूअर पेन, यहाँ देखें दैट के साथ इज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ जो इशारा दिखा रहा है ठीक है, वो इशारा जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फिर एक और एग्जांपल जान लेते हैं, दीज डॉग्स आर हर्स, दीज डॉग्स। आप फिर से गौर करें कि ये जो गुड़िया ठीक है, अगर इन पे आप तवज्जा करेंगे तो डॉग्स आकर क्या है, एक नाउन है, तो फिर से नाउन जुड़ गया तो हम इसको कहेंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर इसके नीचे देखते हैं, दीज आर हर डॉग्स, यहाँ देखें दीज के साथ इशारा तो किया जा रहा है पर साथ में वर्ब जुड़ा हुआ है, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन है। फिर नीचे एग्जांपल देते हैं, दोस फ्रेंड्स आर माइन, वो मेरे दोस्त हैं ठीक है, तो दोस्त के साथ फ्रेंड्स लगा हुआ है, अगेन वो एक नाउन है, तो ये वाला एग्जांपल डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हुआ। फिर इसके नीचे आते हैं, कह रहा है दोस आर माय फ्रेंड्स, यहां दोस के बाद आर लगा हुआ है, तो ये वाला एग्जांपल जो है ये हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो अगर हम आज हम देखते हैं हमारा पांचवा जो टाइप है एडजेक्टिव का वो है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव जी। तो वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, फिर से वही चीज आ जाती है कि क्वेश्चन पूछने के लिए जो काम आते हैं वो तो प्रोनाउन भी होते हैं। तो फर्क क्या है, आए जरा जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या करें, डब्ल्यू एच वर्ड्स आर यूज विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, मतलब डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं नाउन के साथ क्या करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, क्या करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल जरा जान लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विच टॉय इज यूअर्स,
which toy is yours? यहाँ भी वही वाला कानून आ जाता है कि आप देखेंगे कि सवाल पूछने के बाद WH word के बाद noun आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर यहाँ आए देखें which is your toy, तो यहाँ अगर देखें कि WH word के साथ is आ रहा है जो कि एक वर्ब है, तो इस वजह से ऊपर वाला जो सेंटेंस है विच टॉय इज यूअर्स ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और नीचे वाला जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर एक और एग्जांपल जानते हैं, हूज पेन इज दिस, सी पेन जो है हूज के साथ लगी हुई है जो कि एक नाउन है, तो ये वाला जो सवाल पूछा जा रहा है ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर नीचे आए हूज इज दिस पेन, हूज इज दिस पेन, ठीक है यहाँ हूज के बाद इस लगा हुआ है जो कि एक वर्ब है तो इस वजह से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देख लें, व्हाट प्लेस डज ही सिट, व्हाट प्लेस डज ही सिट, प्लेस जो है ये हमारा नाउन है तो व्हाट के साथ प्लेस लगा हुआ है इस वजह से ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर नीचे देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर ही सिट्स, तो यहां अगर नोट करें व्हाट इज तो वोट के साथ इज लग गया तो एक वर्ब है यानी कि अगेन ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, आखिरी हमारा हु यू आर, हु यू आर, यहां अगर हम नोट करें तो यहां ये हमारा यू प्रोनाउन है ना कि वर्ब, तो ये वाला भी हमारा जो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नीचे जरा देख लेते हैं हु आर यू, तो यहाँ हु के साथ आर लगा हुआ है तो यहाँ जो ये डेमोंस्ट्रेशन है सॉरी इंट्रोगेटिव है ये प्रोनाउन है। क्लियर हो गया जी। आए हमारे आखिरी जो है टाइप पे जाते हैं जो कि है पजेसिव एडजेक्टिव। तो भाई पजेसिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, वो वर्ड्स जो मालिकी दिखाने के काम आए, वो वर्ड्स ओनरशिप दिखाने की काम आए, ठीक है। तो कैसे एग्जांपल में जान लेते हैं, माय ड्रेस इज ब्लैक, सो देखें माय जो है ओनरशिप दिखा रहा है उसके साथ जो वर्ड ड्रेस है ये एक नाउन है, तो ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बरक्स अगर नीचे देखेंगे तो कह रहा है ब्लैक ड्रेस इज माइन, यहाँ माइन से पहले देखें ये एक वर्ब है तो इस वजह से ये वाली पोजीशन जो दिखा रहा है ये है पजेसिव प्रोनाउन। फिर आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, इट्स ग्लास इज कलरफुल, इसका कलर गिलास जो है कलरफुल है, ठीक है। फिर इसके बरक्स जो है क्या लिखा हुआ है, कलरफुल गिलास इज इट्स, तो जो पहले वाला जुमला है ये हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव और जो दूसरा जुमला है वो हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। फिर एक और एग्जांपल जान लेते हैं, क्या कह रहा है, देयर बिल्डिंग इज ओल्ड, देयर बिल्डिंग, तो देखें देयर जो मालकी दिखा रहा है उसके साथ जो बिल्डिंग है एक नाउन है तो इस वजह से देयर बिल्डिंग इज ओल्ड ये जहां जो मालकी दिखा रहा है जुमला ये हम कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। फिर इसके नीचे आते हैं ओल्ड बिल्डिंग इज देयर्स, ओल्ड बिल्डिंग इज देयर्स, तो यहाँ हम देखेंगे देयर्स जो हमारी मालकी दिखा रहा है पोजीशन दिखा रहा है उससे जस्ट बिफोर इज लगा हुआ है जो कि एक वर्ब है, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। तो एक चीज हमने आज तीनों टाइप्स में देखी कि देखें डेमोंस्ट्रेटिव हो इंट्रोगेटिव हो या पोजेसिव हो ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो पॉइंट एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो है डेमोंस्ट्रेटिव हो इंट्रोगेटिव हो या पोजेसिव हो ये अपने साथ हमेशा अगर नाउन उठाए तो हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे, पर अगर ये ही अपने साथ अगर वर्ब उठाएं तो ये हो जाएंगे प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन के साथ है और प्रोनाउन का ताल्लुक वर्ब के साथ है। क्लियर हो रहा है? तो भाई ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।